हम लोग क्लास हो चुका है ठीक है, बट फिर भी आज हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके बैक क्लास का, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है। तो देखिए ब्लड रिलेशन में जैसा कि हम आप लोग को बताए हुए थे और फिर से बता रहे हैं कि मतलब इसमें जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें सिर्फ हम अपने रिलेशन से रिलेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ठीक है। तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग ऐसे बन जाता है कि हम लोग बचपन से ही इस बारे में पढ़ते आ रहे हैं ठीक है, अपने ब्लड रिलेशन के बारे में, रिलेटिव सब रहते हैं उन लोग के बारे में। हाँ आप सही है, हाँ आप ठीक सुने। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम, हाँ ठीक है। तो इसमें ब्लड रिलेशन में जितना भी टॉपिक होता है ना, वो हम लोग के अपने खुद से रिलेशन से पूरा उसी से मिलता जुलता रहता है, बस उसी के बारे में पढ़ना होता है। तो ये चैप्टर हम लोग के लिए काफी इजी और इंटरेस्टिंग दोनों हो जाता है ठीक है, क्योंकि बचपन से हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ठीक है। जब से जन्म लिए तो पहले माँ कहना स्टार्ट करते हैं, फिर पापा और फिर मामा वगैरह, ये सब स्टार्ट हो जाता है ठीक है। तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं ठीक है, तो इसमें ये सारा चीज तो कॉमन हो जाता है हम लोग के लिए ठीक है। तो यहाँ पे इन इन सारे चीजों को समझना काफी इजी हो जाता है ठीक है। कुछ टर्म है जिसमें जिससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन सब घुमा घुमा के दिया जाता है ठीक है, तो उन सारे टर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए अब जैसे ब्लड रिलेशन में, यहाँ देखिए इस प्रश्नावली के अंतर्गत तो कुछ व्यक्तियों के आपसे संबंध होगा। देखिए इसमें जितना भी रहेगा सब रिलेशन से ही रिलेटेड रहेगा ठीक है, जितना भी रहेगा सब रिलेशन के बारे में ही बताया जाएगा ठीक है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी दे दिया है, द रिलेशन विच हेल्प्स इन मेकिंग अ फैमिली ट्री इज कॉल्ड अ ब्लड रिलेशन ठीक है। देखिए इसमें जितना भी आपको क्वेश्चन बनाना होगा ना, वो एक फैमिली का, देखिए इसमें ब्लड रिलेशन में जो भी क्वेश्चन वगैरह सब पूछा जाता है वो एक पूरा फैमिली का रिलेशन आपको शो कर देगा ठीक है, कुछ कंडीशन दे देगा ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फैमिली ट्री ड्रॉ करना होगा ठीक है। और फैमिली ट्री जैसे आप ड्रॉ कर लेंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है, कि इनके पापा कौन है, इनके चाचा कौन है, इनके हुआ कौन है ठीक है, ये किसका बेटा है, ऐसे करके रहेगा ठीक है। तो मेन प्रायोरिटी हम लोग का रहता है जो भी कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को पढ़ करके हम पहले फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं ठीक है। पहले फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे, आप फैमिली ट्री ड्रॉ करने के बाद वो क्वेश्चन बनाना काफी इजी हो जाएगा ठीक है। और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग एक तीन क्वेश्चन आपको ये बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका तीन क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है ठीक है। खासकर बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका जो पीटी का जो होता है इसमें आपका दो से तीन क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से रहना ही रहना है ठीक है। यहाँ तक कि आपका मेंस में भी पूछा जाता है ये ब्लड रिलेशन ठीक है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल लो भी रहता है और काफी हाई भी किया जाता है ठीक है। और एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह में तो रहता ही है इसे क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन उसमें भी रहता है ठीक है। कभी कभी रहता है स्टेटमेंट बेस्ड करके आपको तीन क्वेश्चन दे देगा। देखिए जब भी फैमिली ट्री से रिलेटेड दिया तो आपको वहां पे मैक्सिमम एक से तीन क्वेश्चन तक आपको वैरी करेगा ठीक है। इजी क्वेश्चन देगा एसएससी वगैरह में तो एक क्वेश्चन का एक वन मार्क्स का वन क्वेश्चन देगा ठीक है। बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में आपको क्या करेगा, ये थ्री क्वेश्चन देगा और थ्री मार्क्स का ठीक है, एक कंडीशन दे देगा उसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए और उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए ठीक है। चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ चार्ट आपको दिया गया है ठीक है। ये देखिए लेफ्ट साइड में जो दिया गया है आपका मेल का चार्ट हो गया ठीक है, और ये बीच में जो दिया गया है आपका पूरा फीमेल का चार्ट हुआ ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है जनरेशन गैप के बारे में ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ये हो जाता है जो कि हम लोग का जनरेशन हो जाता है ठीक है। यहाँ पे सपोज हम हो गए और यहाँ पे मेरा कोई भाई है तो वो आ जाएगा, मेरी कोई सिस्टर है तो वो यहाँ पे आ जाएगी ठीक है। तो ये सारा जो भी होता है ये हम लोग के सेम जनरेशन में होता है ठीक है, एक ही जनरेशन में होता है। अब इससे एक जनरेशन ऊपर जाते हैं ठीक है। देखिए ऊपर जाते हैं तो हम लोग एरो ऐसे ऊपर एरो ऊपर का देखकर जाएंगे ठीक है। एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, फादर आ जाएगा ठीक है, मदर आ जाएगा, पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएगी, चाचा आ जाएंगे, फूआ आ जाएंगे, ये सब हमसे क्या है एक जनरेशन, जस्ट एक जनरेशन ऊपर का है ठीक है। उससे भी एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो दादा दादी इन सब का जनरेशन आ जाता है ठीक है। तो एग्जामिनेशन वगैरह में आपको मैक्सिमम ये तीन
हाँ एग्जामिनेशन वगैरह मैक्सिमम आपको 3 जनरेशन तक का आपको क्वेश्चन दिया जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है। 3 जनरेशन तक का दिया जाता है, ज़्यादा वेरी करता है तो 4 से 5 जाता है, ठीक है। और ये SBI PO वगैरह के भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है, SBI PO के PT और मेन्स में भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा टफ किया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो 3 to 5 जनरेशन आपको वहाँ पे वेरी करेगा, ठीक है। मतलब हाँ SSC में बोले हम आपको 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका इससे रहता ही रहता है और सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है। SSC में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, एकदम इजी क्वेश्चन देगा, ठीक है। और 1 क्वेश्चन तो मिनिमम रहना ही रहना, और 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है। SSC का बहुत ईजी होता है, एक बार बस पढ़िएगा उसको इजिली बन जाएगा, ठीक है। बैंकिंग में थोड़ा बहुत टफ कर देता है, अब जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो पूछने लगा है उसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ कुछ नया चीज इसमें ऐड करता है, जो कि हम आपको बताएंगे, जो कि अभी रिसेंटली पिछले साल के भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ सिंबल वगैरह का भी यूज करके पूछता है, ठीक है। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए, ये हम लोग बताए हुए थे, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड फादर इन लॉ हो गए, ठीक है। फादर फादर इन लॉ ये सारा देखिए, यहाँ पे मेल मेंबर जितना भी वो सबको स्टार्ट में शो किया गया, ठीक है। यहाँ पे जितना भी वो फीमेल मेंबर को शो किया गया, ठीक है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा चार्ट को, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, आपको ही पता है, भाई हो गए तो वो आपका मेल मेंबर में आ जाएगा, बहन हो जाएगी आपके फीमेल मेंबर में हो जाएंगे, ठीक है। फूफा जी हो जाएंगे तो मेल मेंबर में आ जाएंगे, फूआ हो जाएगी तो फीमेल मेंबर में हो जाएंगे, चाचा मेल मेंबर में, चाची फीमेल मेंबर में, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं, उस चार्ट को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम आप लोगों को बताए हुए थे, क्लासरूम में भी बताए हुए थे और फिर से अभी एक बार हम चर्चा कर दे रहे हैं उस पर, फैमिली ट्री के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम बताए हैं, कोई भी आपको कंडीशन दे देगा, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है क्या कि फैमिली ट्री पहले ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखिए, मेल मेंबर रहेगा इसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई मेल मेंबर है तो उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल मेंबर है तो उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ट्राइंगल, और इस यहाँ पे ट्राइंगल का दे दिया है या आपका स्क्वायर का दे दिया हुआ है, सर्कल का दे दिया हुआ है, तो कहीं कहीं पे आपको किसी किसी बुक में ये भी फॉलो करता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे प्लस माइनस वाला भी करता है, जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए। हम जो आपको क्लासरूम में बताए थे प्लस और माइनस वाला, उसी को हम लोग आगे लेके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेल मेंबर जो होगा उसके लिए प्लस, फीमेल मेंबर जो होगा उसके लिए माइनस। जैसे कि सपोज अगर ए कोई एक मेंबर है, ठीक है, ए कोई एक पर्सन है, अभी हमको इसका जेंडर पता नहीं है तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये मेल है तो बस यहाँ पे हम लोग प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ ये जो है ये आपका मेल मेंबर है, ठीक है। इसके लिए अलग से लिखना नहीं पड़ता है, एक्चुअली रीजनिंग में जो भी कंडीशन वगैरह आता है तो हम उसको चाहते हैं कि पहले हम उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। कम से कम स्पेस में हम उसको एक सिंबल के फॉर्म में हम लिख ले, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए हमको फिर पूरा कंडीशन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, बस वो आपका जो है जो भी सिंबल के थ्रू आप रिप्रेजेंट किए हुए बस उसमें आप उसको देखिए और इजिली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे, तो फैमिली ट्री हम लोग का ऐसा होगा कि आपको बहुत सारा लंबा कंडीशन दे देगा, एक फैमिली मेंबर का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा कि हाँ इसके चाचा वो है, ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, सी की बहन डी है, डी का पापा ई है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो बहुत लंबा कंडीशन दे देगा और आपको क्या करना है उस कंडीशन को, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को पढ़कर फिर कंडीशन को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट पहले हम लोग क्या करेंगे फैमिली ट्री रिप्रेजेंट कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंडीशन बस आपका एक डायग्राम में आ जाएगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप वहां से इजली कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए हम क्या बता रहे थे, मेल मेंबर के लिए प्लस हो गया आपका, फीमेल मेंबर के लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। और सेम जनरेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए सेम जनरेशन गैप रहेगा तो उसके लिए जैसे करके देखिए, ए का भाई बी है तो ए का भाई, ए का ना बोल रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ए का भाई बी है, देखिए हम आप लोग को पहले भी क्लास में बता चुके हैं, जिसका बोलता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए का, यानी कि एक रिस्पेक्ट में हमको करना है, ठीक है। तो पहले हम उसको करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है, तो देखिए ए का बोल रहा है तो पहले हम यहाँ पे ए लिख दिए, ठीक है। तो ए का भाई बी है तो मतलब ए का भाई कौन है, बी, तो यहाँ से हम इसको ले जाएंगे और यहाँ पे बी ये क्या है, भाई है, तो भाई के लिए यानी मेल मेंबर है तो हम यहाँ पे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और देखिए ये सेम जनरेशन में है इसलिए हमको डायरेक्ट हम इसको ऐसे करके एरो करके दिखाएंगे, ठीक है, ताकि ये सेम जनरेशन का हम यहाँ क्लियरली दिखेगा, देख रहे।
अब अगर यहाँ पे रहता कि ए का फादर बी है, तो ये एक जनरेशन ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो एक जनरेशन ऊपर हम ऐसे ऊपर की ओर लेते, ठीक है, ए का, हाँ एक एन यहाँ पे लेते, ए का फादर सी है, क्योंकि बी ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे ले लेते ए का फादर सी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक जनरेशन ये आपका ऊपर चला जाएगा, और इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आपको बोलता है कि ए की मदर डी है, ठीक है, तो देखिए ए की मदर, ए की माँ डी है, ठीक है। तो हम बोले थे जिसका रहता है उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, यानी कि ए का बोला है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो ए की माँ है ना, तो ए के फादर ये हुए, तो इसी की ना वाइफ होगी जो कि ए की माँ होगी, ठीक है। तो क्या बोले हुए थे, डी जो है वो ए की माँ है ना, तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे, और यहाँ पे माँ है यानी कि फीमेल मेंबर है, ठीक है। तो इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये क्लियरली दिख रहा है, ए का फादर सी है और ए की मदर डी है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों एक कपल हो गए, ठीक है। तो जब भी आपको एक कपल को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, तो आप वहां पे ऐसे करके ये बॉक्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फैमिली ट्री भी हम लोग बनाएंगे तो ऐसे ही करेंगे, जब भी किसी कपल को रिप्रेजेंट करना होगा तो इस टाइप से बॉक्स हम ले लेंगे और यहाँ पे हम दोनों को लिख देंगे, ठीक है, जो भी हो, ए हो ई हो, ठीक है। तो ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। और मेल मेंबर के लिए बता दिए प्लस लेंगे, ठीक है, और फीमेल मेंबर के लिए माइनस लेंगे, ठीक है। सेम जनरेशन में रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे एरो दे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक जनरेशन ऊपर जाना होगा, ऊपर की ओर एक एरो दे करके हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये फैमिली ट्री में बस हमको इतना जानने की जरूरत है, ठीक है। अब ये सारा क्लियर हो गया है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको कंडीशन देगा, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है, यहाँ पे कंडीशन दे दिया हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट था वही फैमिली ट्री जो है बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, उससे रिलेटेड था, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको आप दे चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या बताया हुआ था कि कुछ आपको कंडीशन दे देगा, ठीक है, मतलब एक फैमिली का पूरा आपको डिटेल दे दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद आपको फैमिली ट्री सबसे पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा उससे रिलेटेड, फैमिली ट्री ड्रॉ करने के बाद आपको क्लियरली वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक परिवार में 6 सदस्य है, ठीक है, मतलब फैमिली मेंबर में 6 सदस्य है, ठीक है। कौन कौन से है, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, क्लियरली। अब देखिए यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू आर, ये तो अल्फाबेट है ना, तो इसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, हमें पता नहीं चलता है कि ये मेल कौन है, इसमें से कौन फीमेल है, ये पता नहीं चलता है। अगर कहीं पे नाम देता है जैसे करके दे दिया राम, तो हम लोग वहां पे क्लियरली समझ जाते हैं राम दे दिया तो ये आपका मेल मेंबर होगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्लियरली अपने मन से उसको मेल मेंबर लेकर के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर सपोज कहीं पे सीता दे दिया हुआ है तो हम लोग वहां पे समझ जाते हैं कि फीमेल मेंबर है, तो वहां पे माइनस दे करके हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल, यहाँ जितना भी अल्फाबेट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन सा मेल मेंबर है, कौन सा फीमेल मेंबर है, ठीक है। तो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नोट करते हैं, एक परिवार में 6 सदस्य है, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। आर की बहन वो है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, आर की बहन वो है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले थे, आर की बहन बोले थे ना, जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है, जिसका बोलता है या जिसकी बोलता है उसके रिस्पेक्ट में हम पहले लिखते, उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। आर की बहन बोला ना वो है, तो पहले हम यहाँ पे आर को लिख लेंगे, ठीक है, आर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, आर की बहन वो है, तो देखिये ये तो सेम जनरेशन में है ना, हम बताए हुए थे भाई और बहन ये सब जितने भी होते हैं ये सब सेम जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो सेम जनरेशन में जाएंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे करके ऐड होते करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या बोला, आर की बहन वो है, सेम जनरेशन में हम यहाँ पे हम ओ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और क्या बोला, ये बहन है ना, तो बहन है तो यहाँ पे हम क्लियरली हमको इसका जेंडर भी पता चल गया कि ये फीमेल है, फीमेल मेंबर है, तो यहाँ पे हम माइनस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, क्यू के पति का भाई एम है, ठीक है, क्यू के पति का भाई, क्यू का पति कौन है वो नहीं पता है हमें, क्यू है यहाँ पे और इसका पति, देखिए लेकिन इतना जरूर क्लियर हो गया है कि क्यू का पति यानी इसका कोई पति होगा, इसका मतलब ये कौन होगी, ये क्यू जो है वो इसका पत्नी होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये कौन सा है, फीमेल मेंबर है, यानी क्यू जो है वो आपका फीमेल मेंबर है। देखिए यहाँ पे आपको ये अलग से नहीं देगा, यहाँ पे आपको ये अलग से कहीं मेंशन नहीं किया गया कि हाँ क्यू जो है आपका मेल है या फीमेल है, लेकिन ये जो लिखा है ये लाइन, क्यू के पति का भाई एम है,
तो क्यू के पति का भाई एम है, तो यहां से क्लियरली पता चला कि क्यू का अगर कोई पति है तो इसका मतलब क्यू जो है ना, इसका जो पति है इसका ये पत्नी हो जाएगी, यानी कि एक फीमेल मेंबर हो जाएगी। ठीक है, आपको यहां से क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्यू के पति का भाई एम है, तो देखिए क्यू के पति यानी ये हो गए मेंबर। ठीक है, इसका इसका भाई है ना, तो इसका सेम जनरेशन लेंगे, सेम जनरेशन में डायरेक्ट हम ऐसे एरो दे करके लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे एम को। अब देखिए फिर से एक बार पढ़िए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यू के पति का भाई एम है, यानी कि क्यू का पति और इसका भाई एम है, तो भाई है यानी कि ले लिया, हमें पता चल रहा है क्या, एम जो है ये आपका मेल मेंबर है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो डायग्राम हम पहले ड्रॉ किए थे ये, और यहाँ जो अभी किए हैं ये, इन दोनों में अभी कोई लिंक नहीं हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर है ओ है, यहाँ पे क्यू है और एम है, तो कोई लिंक नहीं दिख रहा है, तो हम एक दूसरे को इन दोनों को कनेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है, एम का पिता पी तथा दादा आर है। ठीक है, क्या बोला, एम का पिता पी, तो देखिए पिता है यानी एक जनरेशन ऊपर जाएगा। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर जाएगा तो हम इसको एक एरो दे करके ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, क्या बोला, एम का पिता पी, तो एम का पिता पी है, तो यहाँ पे पी लिख देंगे, ये आपका मेल मेंबर हो जाएगा। ठीक है, एम का पिता पी तथा दादा आर है। ठीक है, एम का पिता तो पी हो गया, लेकिन इसका एम का दादा कौन है, आर है, यानी कि दादा कौन हो जाते हैं, पापा के पापा, यानी कि दो जनरेशन ऊपर चला गया, एक जनरेशन ऊपर गया तो पापा पे पहुंचे, फिर एक जनरेशन मतलब पापा के पापा वो हमारे दादा हो जाएंगे। ठीक है, दादाजी हो जाएंगे। इसमें क्या बोला है, एम का पिता पी तथा दादा आर है, तो यहाँ पे हम लोग दादा लिख के दादा के जगह आर लिखेंगे, और ये दादा है ना, यानी कि ये आपके मेल मेंबर हो गए। ठीक है, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि एम का पिता पी है और पी का पिता आर है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, तो क्यू का पी से क्या संबंध है, देखिए आप पूछ रहे हैं क्या क्यू का पी से क्या संबंध है, हम लोग का यहाँ पे एक और ये बच गया था, ये वाला आप देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम इस डायग्राम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ कॉमन दोनों में है, कुछ कॉमन टर्म, तो देखिए हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आर यहाँ भी है और आर यहाँ पे भी है, यानी कि हम इसको इससे इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कनेक्ट कर दीजिए, आर का देखिए यहाँ पे क्या दिया होता है, आर का ये कौन है, आर की बहन वो है ना, तो यहाँ पे बस आप आर की बहन को, आप यहाँ पे बहन है तो सेम जनरेशन में जाएगी, और यहाँ पे आप वो दे दीजिए। ठीक है, क्लियर है, अब ये वाला जो हम जो पहले लिए थे ये इसमें सेट हो गया। ठीक है, अब यह हमारा फैमिली ट्री एक ये बन गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू का पी से क्या संबंध है, अब देखिए अब आप लोग ही बताइए क्यू का पी से क्या संबंध है। देखिए आप पी यहाँ पे जिसका बोलता है या जिससे बोलता है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, तो यहाँ क्या बोला, पी से क्या संबंध है, किसका, क्यू का। तो देखिए पी का ये आपका बेटा हो गया, ठीक है एम, ठीक है एम का ये भाई है, यानी कि इसका भी ये बेटा ही होगा। ठीक है, और इसका बेटा का ये वाइफ हुई ना, पत्नी हुई, यानी कि पी का ये क्यू जो है वो कौन लगेगी, तो यहाँ बहू लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहू। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्यू का पी से संबंध क्या है, बहू का। ठीक है, समझ गया, क्लियर है, समझ, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे ही दे देगा, यहाँ पे आराम से कंडीशन आपको इसी टाइप का दे देता है, इस टाइप का कंडीशन दे दिया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेने के बाद हम क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका सेम ही है, वो इसमें भी कितने हैं, 6 मेंबर आपका दे दिए गए हैं। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी आपको कितने 6 मेंबर दे दिए गए यहाँ पे। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही हम जैसे उसमें बनाए थे फैमिली ट्री, उसी तरह यहाँ पे भी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, और इजिली ये भी बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमें नहीं लगता प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि सेम टाइप का है, जो ये था उसी टाइप का ये भी है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या नाम सबका मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, सबका नाम मेंशन कर दिया गया है, तो इसीलिए आपको
यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, जहां जहां नाम दिया हुआ है अगर मेल मेंबर का नाम होगा तो वो क्लियरली वहां से पता चल जाता है कि मेल है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा घर पे बनाने का, ठीक है। अगर नहीं बना तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्योंकि ये सेम टाइप का है, इसी टाइप का पैटर्न पे है। बस आपको इसको पढ़ के, सारा कंडीशन को पढ़ करके आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ फैमिली ट्री बनाना है जैसे यहाँ के बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर कर लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए आप, यहाँ एक और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए क्या बोला है, ए बी सी डी ई और एफ और जी एक परिवार के 7 सदस्य है, ठीक है, जिनमें से 4 वयस्क है एवं 3 बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है, कि 4 जो है वो वयस्क है और 3 बच्चे है, यानी 3 बच्चे जो है ये यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि हाँ वो सबसे नीचे वाला जो जनरेशन होगा उसी में ये जाएगा, ठीक है, जो भी 3 बच्चे होंगे वो, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, बच्चों में एफ और जी लड़कियां हैं। देखिए इसमें ये भी कह दिया गया है, क्लियर कर दिया क्या, कि एफ और जी जो है आपकी लड़कियां है, यानी एफ जो है वो भी आपका फीमेल मेंबर होगा और जी भी आपका क्या होगा, फीमेल मेंबर होगा, ठीक है, क्लियर है। और दोनों बच्चियां हैं, इसका मतलब ये समझिए कि सबसे लास्ट वाला जो नीचे वाला जो होगा जनरेशन, ये दोनों उसमें जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ए और डी भाई है, ठीक है, ए और डी आपका भाई है, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ए और डी को, ठीक है, ए और डी भाई है तथा ए एक डॉक्टर है। देखिए यहाँ पे ना आप सबका प्रोफेशन भी दे दिया गया है, ठीक है, कि कौन क्या है वो भी दे दिया गया है, ठीक है। तो क्या बोला, ए और डी भाई है, ठीक है, हो गया, और ए एक डॉक्टर है, ठीक है, तो ए यहाँ पे डॉक्टर है, आप लिख लीजिए साइड में, या तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं या तो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, ए एक डॉक्टर है, ठीक है। ठीक है, आगे क्या बोला, देखिए ई एक इंजीनियर है, ई क्या कोई प्रोफेशन दे दिया गया, ई क्या करता है, तो ई एक इंजीनियर है, ठीक है। यहाँ पूरा नहीं लिखना होता है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं शॉर्ट फॉर्म में साइड में उसको लिख लेने का, ठीक है, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, तो उसके लिए जितना डेटा है कि हाँ उतना से बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, बस उतना लिख के आगे मूव करना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, ये एक इंजीनियर है और भाइयों में है, ये एक यहाँ पे क्लियर कर दिया क्या, कि ये एक इंजीनियर है और भाइयों में से एक से विवाहित है, मतलब यहाँ पे जो आपका जो भाई जो था दोनों उसमें से आपका एक से आपका ये कौन है, विवाहित है, ठीक है, यानी कि ए और डी जो था ना दोनों भाई, यहाँ पे आपका इन दोनों में से किसी एक से ये विवाहित है, ठीक है। अब किससे ये नहीं पता है, या तो ये ई से भी हो सकता है, सॉरी ए से भी हो सकता है और आपका डी से भी हो सकता है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है कि किससे विवाहित है, ठीक है, इसलिए हम लोग अभी आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये एक इंजीनियर है तथा भाइयों में से एक से विवाहित है, ठीक है, तथा उसके 2 बच्चे हैं। अब मतलब देखिए, अब यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कि उसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब 2 बच्चे कौन है ये भी नहीं आगे हमें पता है, ठीक है, इसलिए हम लोग अभी आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये इतना जरूर पता चल गया है कि ये जो आपका ई जिससे विवाहित है उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, ई जिस किसी से भी विवाहित है उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। और अभी आप पढ़ रहे थे कि 3 3 3 बच्चे हैं ना, यानी कि 2 बच्चे इसके हैं, तो 1 बच्चे जो बच रहा है वो दूसरा जो मैरिड कपल होगा उसका होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तथा उसके 2 बच्चे, ठीक है, बी डी से विवाहित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि बी डी से विवाहित है, ठीक है। तो जैसे ही आपको बोल दिया कि बी डी से विवाहित है, बस यहाँ पे हम इसको बी को हम इजिली लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये डी मेल मेंबर है, तो ये इससे विवाहित है, मैरिड है, तो ये क्या हो जाएगी, ये फीमेल मेंबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, यहाँ पे दिया नहीं गया है कि हाँ बी जो है वो फीमेल मेंबर है, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्लियरली पता चलता है कि बी जो है आपका फीमेल मेंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं, बी डी से विवाहित और जी उनकी संतान है। देखिए यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया कि जी जो है उनकी संतान है, तो संतान है, तो वहां पे आप आराम से उससे एक जनरेशन नीचे जा करके उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको कर ले रहे हैं पहले। क्या था, बी डी से विवाहित और जी उनकी संतान है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जी दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं,
जी उनकी संतान है, तो सी कौन है, तो पूछ रहे आपसे सी कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। चलिए सबसे पहले तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, हम लोग का जो फैमिली ट्री था उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो भाई था, ए और डी भाई था, ठीक है, तो डी का तो हमारा पता चल गया है कि हाँ ये किससे मैरिड है, ठीक है। तो एक और जो हमारा जो यहाँ ई के बारे में बच रहा था कि ई जो है वो किससे शादी किया हुआ है, वो जो बच रहा था ये हमें अब क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी तो एंगेज हो गया है के साथ, तो अब जो एक जो बच रहा है ये आपका ए, ये किसके साथ एंगेज होगा, यहाँ पे ई के साथ होगा, ठीक है, यानी कि ए और ई जो है ये पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। और इनके कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है, तो दो बच्चे यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, बन गया सर। बन गया है। चलिए गुड गुड गुड। जब तो आपका प्रॉब्लम सब बैंकिंग में पूछा जाता है, देखिए बैंकिंग में फर्स्ट क्लास करके पूछता है, अगर उसका प्रॉब्लम बन गया तो एसएससी का बहुत ईजी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका बैंकिंग में ही पूछता है, एसएससी में इससे थोड़ा इजी पूछेगा, ज्यादा टफ करेगा तो इतना जाएगा, ठीक है। अब तो रेलवे में भी ये पूछने लगा है, ठीक है, तो आप सबके लिए कॉमन हो गया है, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा टफ करता है, बैंकिंग में वो भी आपका प्री में आपका इस टाइप का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बहुत कम टाइम में बनाना होता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं इसलिए आराम से बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर ही था कि ई का दो दो संतान है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कौन का संतान कौन कौन है, सी और कौन कौन सा, ई का दो संतान आपका सी और एफ ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख देंगे सी और एफ, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं, देखिए हम लोग का जितना भी जो फैमिली ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सी कौन है, तो देखिए आप बता दीजिए सी कौन है, यहाँ पे है सी, ठीक है, सी जो है ये कौन है, तो सी आपका यहाँ पे जो ए जो है ए का ये आपका पुत्र है या पुत्री है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ेंगे क्योंकि इस दोनों का पुत्र है या पुत्री है ये क्लियर किया गया है नहीं, वो एक बार देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसके लिए फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, चार वयस्क है, ठीक है, तीन बच्चे हैं, देखिए तीन बच्चे, ठीक है, बच्चों में एफ और जी लड़कियां हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया था क्या, एफ और जी लड़कियां हैं, तो बोला बच्चों में एफ और जी लड़कियां हैं, तो जब एफ और जी तीन बच्चे हैं और तीन में से एफ और जी लड़कियां हैं, तो एक जो बच रहा है वो आपका कौन हो जाएगा, मेन मेन बनना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है क्या, ठीक है, कि सी का आपका जेंडर क्या है, तो ये आपका मेल मेंबर है, ठीक है। तो सी जो है क्वेश्चन क्या पूछा था, सी कौन है, तो सी जो है वो ए का बेटा है, ठीक है, ए का भी बेटा है और ई का भी बेटा है। अब हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए ए की पुत्री, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, हाँ ए का पुत्र है तो ये आपका सही है, ठीक है, ए का पुत्र आपका ये सी है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इनके ये भाई होगा ना, क्यों, क्योंकि अजय के पिता जो है उनका बेटा आपका सुबोध है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, भाई हुए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी नहीं दिया गया है कि यहाँ पे कौन होगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं दिया गया, अगर यहाँ पे कोई और पर्सन होता सुबोध के जगह कोई दूसरा पर्सन होता यहाँ पे, तो हम समझते कि नहीं यहाँ पे ये आ गया, तो ये डेफिनेटली क्लियर हो जाता कि इसके चाचा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब सुबोध आपका यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सुबोध अजय का पिता या चाचा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है, इजिली बन जाएगा, ठीक है, और इतना बड़ा ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये बस दिमाग में ही हो जाना चाहिए, ठीक है, काफी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन सब फिल कीजिएगा, बनाइएगा ज्यादा से मैक्सिमम नंबर को, ठीक है। और देखिए एक और पीपीटी हम इसके बाद या पीडीएफ आप लोग को हम देंगे, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जिसको कि आपको घर पे खुद से बनाना है, ठीक है, और अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी वगैरह होगा या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, यहाँ पे बस हम एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप का उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये भी आपका सेम उसी टाइप का है, ये भी आपका बन जाएगा, इसको भी आप रख लीजिए, अच्छा सिंबल वाला है, देखिए नेक्स्ट टाइप में बन जाएगा सर, क्वेश्चन जो दिया हुआ है पी इंटू क्यू माइनस मतलब क्यू डैश एस जो दिया हुआ है, क्वेश्चन सही लग रहा है आपका, ये क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर वन जो दिया है, ठीक है हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ पी मल्टीप्लाई क्यू, पी क्यू का पुत्र है बट एस का पत्नी कैसे हो सकता है पी, अच्छा अच्छा ठीक है हम लोग अभी चल रहे हैं क्वेश्चन पे, अभी क्वेश्चन पे नहीं गए हुआ, अभी हम बस बता ही रहे हैं, अच्छा ठीक है सुनिए, हाँ सुनिए एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको बस हम ये पैटर्न आपको बता देते हैं कि किस टाइप से पूछा जाता है, फिर हम लोग चल रहे हैं अभी क्वेश्चन पे, तो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट बस समझ लीजिए कि किस किस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, जो थ्योरी पोर्शन है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं।
क्वेश्चन क्या ठीक है गलत होगा तो वो सही होगा, ठीक है हम लोग चलेंगे उस पर। पहले देखिए यहाँ पे क्या बोलना है कि ये जो है ना बी की पुत्री है, ठीक हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एस पी का पिता, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम चल रहे क्वेश्चन पे चल रहा है, बस एक बार थोड़ा सा एक मिनट इसको देख लीजिए कि किस किस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है क्वेश्चन जाता है। देखिए क्या बोल रहे थे, हाँ ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये फीमेल मेंबर है, और ये कौन सा मेंबर है मेल है या फीमेल है वो चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखिये नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला, बी की पुत्री ना, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, देख रहे हैं सीधा राइट टू लेफ्ट चल रहा है, तो अब यहाँ पे ना एक ही दिया हुआ है, एग्जाम में देखिए आपको कैसे देगा, इस टाइप का दे देगा, ए बी यहाँ पे क्रॉस करके सी दे दिया, माइनस करके डी दे दिया, और भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको दे देगा ऐसे लंबा, ये तो हम काफी चार ही यहाँ पे ज्यादा लेटर नहीं लिए हैं, चार ही लेटर लिए, वो लंबा दे देगा यहाँ से यहाँ तक का, इतना बड़ा बड़ा दे देगा, ठीक है। अब वहां पे आप इतना दिमाग लगाने लगे काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कैसे मूव करते हैं वो पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, ए जो है वो बी की पत्नी है, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना, बी की बोल रहा है, यानी बी राइट में लिखा हुआ है ए लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो बी की पुत्री है, तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो जब बहुत सारा कंडीशन दे देगा, अब देख रहे समय यही लिखा हुआ है ए बी का पुत्र है, पहले ये लिखा था फिर वही लिखा हुआ है, इसमें भी ए बी की पत्नी है, यानी कि सब में हम लोग को कहाँ राइट टू लेफ्ट मूव करना है, तो हम लोग क्वेश्चन में भी ना डायरेक्ट राइट टू लेफ्ट मूव करके हम लोग इजिली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या करता है ना, ऐसे एग्जामिनेशन में ये आपको डायरेक्ट ही पूछता है, लेकिन अब क्या किया थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, अब यहाँ पे क्या कर देता है, बीच में कोई कोई एक डाल देता है ऐसे, बी जो है ना ए की पुत्री है, ठीक है, तो अब जैसे ही ये डालता है बी जो है ए की पुत्री है, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे अब हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला, ए बी बी ए की पुत्री है, तो जिसकी बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, बताए हुए थे, ठीक है, तो ए की पुत्री बोला तो ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो देखिये ए के अकॉर्डिंग यानी कि बी का यहाँ पे जेंडर क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि बी कौन है, ये आपका फीमेल मेंबर है, ठीक है, ए के बारे में आपका यहाँ पे क्लियर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो देखिए सॉरी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं बी ए की पुत्री है, यानी कि ए से हमको रिलेशन लेना होगा बी की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है, खासकर मेंस के एग्जाम में आपको इस टाइप का पैटर्न दे देगा, घुमा करके दे देगा, ये उल्टा उल्टा करके दे देगा, ठीक है, बाद बाकी प्री वगैरह में और थोड़ा छोटा लेवल का एग्जाम है तो उसका मेंस का भी एग्जाम में आपको सीधा देगा, ठीक है, तो बस जब क्वेश्चन बनेगा हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ हम लोग चलेंगे वहाँ, मेरा डी आ रहा है, अच्छा लाइक यू माइनस एस हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इसका यहाँ पे दे दिया ये रिलेशन, अब इसके अकॉर्डिंग आप फैमिली ट्री का ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, हम बताए थे ना इसमें सब दिया हुआ है, राइट टू लेफ्ट में हम लोग रिलेशन देखेंगे, देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से इसमें हम फैमिली ट्री भी ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट में ही चल के करेंगे, देखिए ऐसे कीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, यहाँ पे इजी दिया हुआ है, दो तीन ही लेटर का दिया हुआ है, तो आप लोग से जल्दी बन गया, ठीक है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा लेटर का दे देगा तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे किस टाइप से बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो देखिए इसमें सबका रिलेशन जो दे रहा है ये राइट टू लेफ्ट में ही दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसमें भी हम लोग राइट टू लेफ्ट में ही करेंगे, तो देखिए क्या बोला, यदि पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस एस हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, तो देखिए राइट टू लेफ्ट बोले थे ना, तो एस से क्यू माइनस है ना, तो माइनस देखिए माइनस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पत्नी को, ठीक है, यानी कि देखिए ए बी की पत्नी है, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, यानी कि ए जो है वो पत्नी है किसकी, बी की, तो यहाँ पे भी अगर क्यू क्यू माइनस एस लिखा हुआ, यानी कि क्यू जो है वो आपकी पत्नी हो जाएगी किसकी, एस की, तो एस की पत्नी हो जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एस कौन होगा, आपका पति होगा, यानी कि वो आपका मेल मेंबर होगा, ठीक है, देखिए Q S की पत्नी है, तो Q S की पत्नी है यानी कि S जो है वो Q का पति है, यानी कि ये क्लियर हो गया क्या उनसा मेंबर है, ये मेल मेंबर है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन जो कंडीशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए अब एंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, अब चलिए नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे, क्यू पी का पिता है, तो देखिए क्यू जो है वो पी का पिता है, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी क्यू जो है आपका फीमेल मेंबर, ठीक है, तो आपका बी भी गलत हो जाएगा, बी आप ही का ना आया हुआ था, नहीं किनका आया हुआ था, की पत्नी, तो क्यू के रिस्पेक्ट में ना बोल रहा है, यानी क्यू की पत्नी एस है, यानी एस आपको फीमेल मेंबर दिख रहा है क्या, देखिए तो इसमें नहीं ना, ये इसमें और बहुत ज्यादा दे देगा, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके लंबा दे देगा, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको फैमिली ट्री करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है,
तो वहां पे यही चीज ध्यान दीजिएगा कैसे मूव करना है। देख रहे हैं राइट टू लेफ्ट हमको मूव करना था तो हमें कैसे पता चला वो भी हम बता चुके हैं। तो ये चीज पहले देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग बनाएगा तो जल्दी बन जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, एग्जाम में बनाना ही सिर्फ मेन प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, टाइम कैसे कम कंज्यूम हो क्वेश्चन बनाने में ये भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बताए आपको पहले देख लेना रिलेशन सब जो दिया हुआ है ना ये सिंबल वाला वो कैसे जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर ये पता चल जाएगा तो डायरेक्ट आप तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, बस आप ये पढ़ते जाइएगा और सीधे यहाँ पे फैमिली ट्री ड्रॉ करते जाइएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, चलिए देखिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड, इस क्लास से, इस सेशन से रिलेटेड जितना चीज था वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम आप लोग को एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें जितना टाइप का पूछा जाता है, एक आपका ये टाइप का पूछा जाता है जो बैंकिंग वाले में अक्सर पूछा जाता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी में भी और रेलवे में भी पूछा गया। देखिए रेलवे है वो बैंकिंग इस सब का भी कॉपी करता है और रेलवे में भी अब इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको पढ़ना ही है। और देखिए इस टाइप का अभी तक जितना भी हम टाइप का करवाए हुए हैं, एक दो टाइप का और कुछ बच रहा है, कुछ बच रहा है जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा। फिलहाल हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्लास में बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब होगा। ठीक है, उसको आपको घर पे बना लेना है। ठीक है, और अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है ही, उस पर भी आप पूछ सकते हैं, ज्ञान नीति वाले ग्रुप पे। ठीक है, आप वहां पर आराम से पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको वहां पे बता देंगे, नहीं तो फिर कुछ ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको हम क्लास में भी बता देंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है सबका? यस सर। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। अब अभिषेक सर थोड़ा